दोस्तों WCC3 के अंदर तीन बैटिंग कंट्रोल हमको दिए जाते हैं, लेकिन उन तीनों बैटिंग कंट्रोल में से आपके ऊपर क्या सुटेबल रहता है और कौन सा बेस्ट है आपके लिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के प्लेयर्स हो। तो आज बात करेंगे इन्हीं तीन कंट्रोल के बारे में और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लर्न इजी चैनल के न्यू वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आपको करना होगा लर्न इजी चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। अब आपको जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगे उनकी जानकारी यूट्यूब आप तक फौरन पहुंचा देगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है लर्न इजी के चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मसूद अहमद शमसी। तो आप सभी लोगों के लिए मैं काफ़ी दिन से एक्सपेरिमेंट कर रहा था इन्हीं तीन बैटिंग कंट्रोल के ऊपर, इसमें से कौन से आपके लिए बेस्ट हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि तीन कंट्रोल में से हर कंट्रोल हर किसी के लिए नहीं होता है। आप जैसे प्लेयर्स हैं उसी तरीके से आप अपने कंट्रोल को चूज़ कर सकते हैं और कौन सा कंट्रोल आपका बेस्ट है तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर तीन की, जो कि आता है हिट बटन। इसके अंदर दोस्तों एक अच्छाई है और एक बुराई है। अच्छाई की बात करें, यहाँ पर आपको डायरेक्शन देने में बहुत हेल्प करता है ये। आप जिस तरफ शॉट लगाना चाहते हैं एक बार आपने सेट कर दिया, उसके बाद आप जब शॉट खेलोगे तो बॉल उसी डायरेक्शन में उसी गैप से निकलेगी। अब दोस्तों इसमें बुराई की बात करें, बुराई ये है कि जो आपका राइट हैंड का थंब है यानी कि अंगूठा है, उसी से आप डायरेक्शन भी सेट कर रहे हो कि आपको किस तरफ शॉट खेलना है और उसी से आपको हिट बटन पर क्लिक भी करना है। और इसी वजह से यूजलेस है हिट बटन जब आप मल्टीप्लेयर खेलते हो, क्योंकि रियल प्लेयर्स होते हैं और लास्ट टाइम पे वो लाइन लेंथ में चेंज करते हैं तो कुछ ही सेकेंड होते हैं आपके पास में, या तो आप शॉट खेलो या तो फिर आप अपना डायरेक्शन चेंज करो। तो दोनों काम एक साथ आप हिट बटन कंट्रोल से नहीं कर सकते। तो अगर आप मल्टीप्लेयर खेलते हो तो आप हिट बटन को यूज़ ना कीजिए। बाकी जो ऑप्शन है यानी कि स्वाइप कंट्रोल या पुल एंड रिलीज वो कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी प्रॉब्लम है। चलिए उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नंबर दो की, और ये है पुल एंड रिलीज। इसको मैंने नंबर दो पर इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन बात करें पुल एंड रिलीज की, ये एक बैटिंग कंट्रोल ऐसा है कि ये आपको हर फॉर्मेट में काम देगा, यानी कि आप क्विक प्ले खेल रहे हो या फिर टूर्नामेंट जो ऑफलाइन होते हैं वो खेल रहे हो, जो भी है उसमें काम करेगा, मल्टीप्लेयर में ही आपका काम करेगा। और जब भी बॉलर आपका लास्ट टाइम पर पिचिंग एरियाज बदलते हैं यानी कि लाइन लेंथ में चेंजिंग करता है, उसका भी आप अकॉर्डिंग टू लाइन लेंथ अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने पुल एंड रिलीज को खींचा हुआ है और उसके बाद में आप अगर मूवमेंट करते हो आगे की तरफ यानी कि ऑफ स्टंप की तरफ, तो कभी कभी देखने को ये मिलता है कि बैट्समैन को ज़्यादा ही मूवमेंट कर लेता है, कभी बहुत ज़्यादा आगे की तरफ चला जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ चला जाता है। तो सिर्फ एक ही ये बक्स है या एक ही प्रॉब्लम है जो पुल एंड रिलीज के अंदर देखने को मिलती है, वरना ये एक बहुत ही बेहतरीन पुल एंड रिलीज का ये बैटिंग कंट्रोल है जिसे आप हर फॉर्मेट में, चाहे वो मल्टीप्लेयर हो चाहे वो क्विक प्ले हो, कोई भी फॉर्मेट हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मूवमेंट कम करते हो बैट्समैन की और आप शॉट मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हो तो पुल एंड रिलीज आपके लिए बेस्ट है। आप इसी पे प्रैक्टिस कीजिए और इसी को मास्टर कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर वन की, ये है स्वाइप कंट्रोल। स्वाइप कंट्रोल को मैंने नंबर वन पे इसलिए रखा है कि एक तो ये पुराना है, WCC 2 से लोग इसको खेल रहे हैं और सबसे ज़्यादा स्वाइप कंट्रोल को ही यूज़ किया जाता था, और मैं भी एक ओल्ड प्लेयर हूँ तो इसलिए मैं स्वाइप कंट्रोल को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स की बात हम करेंगे, लेकिन इसकी अच्छाइयों की बात करें, आप इसमें मूवमेंट करोगे तो भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बैट्समैन आपके कंट्रोल में रहेगा। डायरेक्शन अगर बॉलर चेंज करता है अपने पिचिंग लाइन और लेंथ का तो आप उसके मुताबिक अपना स्वाइप कंट्रोल कर सकते हो, पिच की लाइन में आ सकते हो। और यहाँ पर अगर बात करें तो जिस डायरेक्शन में आप चाहोती 60 डायरेक्शन में आप अपना शॉट खेल सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि स्वाइप करने के लिए बहुत ही कम जगह आपके पास रहती है। कभी कभी आप स्वाइप करते हो और यहाँ पर जो बटन है जो कि लीव वाला बटन है वो कभी कभी दब जाता है, और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है अपने स्वाइप कंट्रोल पे तो यहाँ पर यह हो सकता है कि आप अच्छे से शॉट लगाओ और गैप ना निकाल पाओ, जिधर आप शॉट लगाओ उधर ना जाए। तो यहाँ पर अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो आप पुल एंड रिलीज के साथ जा सकते हो। अगर आप मल्टीप्लेयर नहीं खेलते हो तो आप जा सकते हो हिट बटन के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप ओल्ड प्लेयर्स हो और WCC और WCC 2 से स्वाइप कंट्रोल खेल रहे हो और आपको गैप ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो सबसे बेहतर आपके लिए रहेगा
वो ये है कि आप स्वाइप कंट्रोल यूज़ करो। तो दोस्तों मैंने काफ़ी दिन से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैंने भी अपने कंट्रोल चेंज किए हैं, उसके मुताबिक मैंने ये वीडियो बनाया है। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और आपको कौन सा कंट्रोल बेस्ट लगता है और किस पे आप अच्छे शॉट लगा सकते हो वो भी मुझे कमेंट में बताना, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर कर लेना, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।